हाय दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं अगर Redmi फ़ोन में इनकमिंग कॉल आने पर फुल स्क्रीन पर शो नहीं हो रहा है तो कैसे ठीक करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले फ़ोन का जो डायलर है जिससे फ़ोन लगाते हैं, इस ऐप पर कुछ सेकंड तक टच करके रखना है, लॉन्ग प्रेस करना है। तो यहाँ पर ऐप इन्फो का ऑप्शन आएगा, इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आ जाएंगे तो यहाँ पर स्टोरेज यूजेज या स्टोरेज का ऑप्शन मिलेगा, इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर क्लियर डाटा का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है और ओके कर देना है। ऐसा करने से कुछ भी डिलीट नहीं होगा, कोई नंबर भी डिलीट नहीं होगा। तो अब बैक आते हैं। अब यहाँ पर एक और ऑप्शन मिलेगा, मैनेज नोटिफिकेशंस या नोटिफिकेशन का, इस ऑप्शन पर क्लिक करना है और सबसे ऊपर चेक करना है। अगर ये ऑप्शन बंद रहेगा तो इस ऑप्शन को चालू कर देना है। देखिए हमारे फ़ोन में पहले से ही चालू है। फिर आना है नीचे और अब यहाँ से चेक करना है, अगर इनमें से कोई भी ऑप्शन बंद रहेगा तो उस ऑप्शन को चालू कर देना है। देखिए हमारे फ़ोन में पहले से ही सभी ऑप्शंस चालू है। इतना चेक करने के बाद अब बैक आना है होम स्क्रीन पर। अब अपने फ़ोन को एक बार रीस्टार्ट या रिबूट करना है। कैसे करेंगे तो देखिए जो फ़ोन का पावर बटन है जिससे मोबाइल लॉक करते हैं, इस बटन को कुछ सेकंड तक दबा कर रखना है। तो यहाँ पर ऑप्शन आएगा रीस्टार्ट या रिबूट का, इस ऑप्शन पर क्लिक करना है और जैसे ही फिर से क्लिक कर देंगे तो फ़ोन अपने आप ही स्विच ऑफ होकर स्विच ऑन हो जाएगा। इससे कुछ भी डिलीट नहीं होगा और जो भी प्रॉब्लम रहेगी वो सही हो जाएगी। फिर जब भी कॉल आएगा तो फुल स्क्रीन पर शो करेगा। तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए। थैंक यू।